स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले तिरंगा झंडे की डोरी बदलने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार सुबह उस समय बड़ा हादसा हो गया जब ऐतिहासिक डाकघर भवन पर झंडे की डोरी बदलने कर्मचारी क्रेन पर चढ़े हुए थे। अचानक जैक उखड़ने से क्रेन पलटी और ट्रॉली सहित कर्मचारी नीचे गिर गए। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में 2 नगर निगम के दमकल विभाग के कर्मचारी हैं और 1 डाकघर चौकीदार है, वह भी क्रेन की ट्रॉली में सवार था। घटना शनिवार सुबह महाराज बाड़ा पर हुई। क्रेन को साइड में खड़ी कर उसकी ट्रॉली में दमकल कर्मचारी प्रदीप राजोरिया, कुलदीप दंडोतिया, चौकीदार विनोद शर्मा सहित 4 लोग खड़े थे। हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया। हादसे के बाद ग्वालियर स्थित JAH में सभी को लाया गया, जहां 3 की मौत की पुष्टि हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे। घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व लाइटिंग की सजावट की जाती है तथा पूरा ही ढककर भवन पर झंडा लगाया जाता है। झंडा तो यहाँ लगा था लेकिन उसकी डोरी खराब थी। इसी को सही करने के लिए डाकघर के चौकीदार करने वाले विनोद कुमार शर्मा ने निगम कार्यालय को सूचना दी थी। सूचना पर दमकल के कर्मचारी 52 सीटर ऊंचाई वाली बड़ी क्रेन लेकर बाड़ा पहुंचे थे। क्रेन को साइड में खड़ी कर उसकी ट्रॉली में दमकल कर्मचारी ऊपर जैसे ही चढ़े, क्रेन का जैक टूट गया और नीचे गिर गए। सिर पर गंभीर चोट लगने से 3 की मौत हो गई। घटना के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे, आक्रोशित कर्मचारियों को समझाया एवं जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व इस तरह की घटना होने से क्षेत्र में मातम पसर गया है। ये लोग ना मेरे भैया की प्राण आया है बस भगवान में कर पाऊंगा। जिस वक्त थे उनको नौकरी तुरंत पूरी दी जाएगी। मैडम मंत्री ये किया है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया।